चलो अगर मैं बात करूं दोस्तों फाइनल अकाउंट की, प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। चलो तो बात कर रहे थे हम लोग बेटा फाइनल अकाउंट की। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग बेसिकली दो चीजें बनाते हैं, एक कौन सा है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या है दोस्त बैलेंस शीट। एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या है दोस्त बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट, और अकाउंट है तो उसका नेचर होना चाहिए क्या दोस्तों, कौन सा नेचर है उसका, रियल पर्सनल या नॉमिनल। नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ, डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल, बहुत खूब, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड है जे बात। अब मुझे बताओ अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट है या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है विच कंटेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, विच कंटेन व्हाट दोस्तों, एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नाउ टेल मी, हमें क्या ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया हमें ट्रायल बैलेंस, क्या स्टेटमेंट है उसके अंदर, एक तो डेबिट साइड है और दूसरा डेबिट साइड में या तो क्या आएगी या क्या आएगा, या तो एसेट होगी दोस्त या तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट साइड में क्या होगा दोस्त या क्या होगा लाइबिलिटी, या तो क्या होगा बेटा इनकम। क्या इसके हेल्प से हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड क्या बनाना है प्रॉफिट एंड, और दूसरा हमें बनाना क्या मेरे भाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दिस साइड इज नोन एज व्हाट, लाइबिलिटी साइड, एंड दिस साइड इज नोन एज व्हाट, एकदम सुंदर। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या एक्सपेंसेस आएंगे, कौन से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी एक्सपेंसेस आएंगे, कौन से, खूब बेटा। यहाँ पे क्या इनकम आएगा, कौन सा, कौन सा मुन्ना, यहाँ पे भी इनकम आएगा, कौन सा बेटा, दैट्स ग्रेट। चलो यहाँ तक की बातें हम कर चुके थे। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो क्या डायरेक्ट एक्सपेंस को लर्न करने के लिए हमने कुछ बेसिकली टेक्निक देखी है। अरे हाँ है ना, मैंने बताया था फैक्ट्री तक के खर्चे, कहाँ तक के खर्चे, कौन से एक्सपेंस होंगे डायरेक्ट, और फैक्ट्री के बाहर के खर्चे कौन से होंगे। सबसे पहले क्या मैं गुड्स परचेज करूंगा, फिर क्या कैरेज, फिर क्या ऑक्ट्रो ड्यूटी, फिर फैक्ट्री का पावर एंड फ्यूल चार्ज, फिर रॉयल्टी, फिर क्या देंगे दोस्तों रॉयल्टी, और उसके बाद क्या होगा बेटा वेज, कौन सा ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये एट एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट है, इसके अलावा जो भी एक्सपेंस है वो क्या होगा इनडायरेक्ट, करेक्ट है। एक बार देखते हैं वापस से, वन मोर टाइम, सभी का एकदम अच्छे से रिस्पॉन्स होना चाहिए। फर्स्ट वन, फिर कैरेज, फिर ऑक्ट्रॉय, फिर फैक्ट्री का और फैक्ट्री का पक्का, उसके बाद दोस्त एंड उसके बाद बेटा ग्रेट बेटा। अब यार एसेट और लाइबिलिटी मुझे बताओ, डेटर्स ये एसेट है या लाइबिलिटी है, एसेट, और क्रेडिटर्स क्या है दोस्त, ओके बहुत ही बढ़िया बेटा। आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। कल हम लोगों ने देखा था पोस्टिंग, क्या देखा था बेटा पोस्टिंग। चलो एक बुक देना मुझे, एक क्वेश्चन और ओरली सॉल्व करता हूँ पोस्टिंग का, एक दो क्वेश्चन, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स किसके मिलेंगे आपको पोस्टिंग के। अगर 16 मार्क का क्वेश्चन आता तो 8 मार्क्स इसका है पोस्टिंग, और 8 मार्क्स इसका है आपका एडजस्टमेंट, करेक्ट है। तो पोस्टिंग 8 मार्क हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस उस टॉपिक को लेके और बेसिक बातें इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं, आप मुझे बताते जाना कहाँ पे आएगा, कौन सा कहाँ पे आएगा आप मुझे बताते हुए चलना। ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक क्या फर्स्ट आइटम है, ओपनिंग नाम से समझ, ओपनिंग मतलब फर्स्ट आइटम क्या होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे बेटा। चलो इसका मैं लॉजिक बताऊंगा आपको पूरा का पूरा, कि ओपनिंग स्टॉक क्यों उधर डेबिट में आता है, क्योंकि स्टॉक है ये आपका एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपका क्या है दोस्त स्टॉक एक्सपेंसेस नहीं है, तो आपने क्यों वहां पे लिखा उसका पूरा लॉजिक बताऊंगा, डोंट वरी। सेकेंड वन, कैपिटल कहाँ आता बेटा, कैपिटल क्या आपकी एसेट है या लाइबिलिटी है, करेक्ट है ना, कैपिटल आपका क्या बेटा लाइबिलिटी, ग्रेट बेटा। ड्रॉइंग्स क्या आपका, कभी नहीं बोलना लाइबिलिटी, ड्रॉइंग्स कभी लाइबिलिटी हो ही नहीं सकती, कैपिटल में से माइनस। कल मैंने बताया था ओनर जो बिजनेस को पैसा दे रहा है दैट इज व्हाट कैपिटल, और जो लेके जा रहा है वो कौन सा है ड्रॉइंग्स। सो कैपिटल में से क्या माइनस करेंगे, कैपिटल में से क्या माइनस करेंगे जे बात। फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस सुनो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता, बात समझना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना। अब हुआ यू, इंश्योरेंस बताया ना, LIC का ऐड देखा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के
जब घर पे कभी एलआईसी वाले आते हैं ना तो जीने से ज्यादा मरने के फायदे बता देते हैं, तू मरेगा तो ये होगा, ये एज पे मरेगा तो, अरे नहीं मरना भाई, क्यों मरना है, यस और नो होता है कि नहीं होता है, आपका एक्सीडेंट हो गया तो इतने करोड़ मिलेंगे, अरे भाई को एक्सीडेंट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एलआईसी ले ली जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के ले ली आपने, क्या उसके बाद आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है, हफ्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, घर वालों के मुंह से सुना होगा आपका प्रीमियम का हफ्ता आ गया, क्या वो इनकम है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस। अब हुआ यू कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, वो इंश्योरेंस वाला बंदा हर महीने आता है आपसे हफ्ता लेने, करेक्ट है, हर एवरी मंथ वो आता है आपके घर पे हफ्ता लेके जाता है, एक दिन आप परेशान हो गए, क्या ये बाहर वाले इंटरफेयर करते हैं, आप कोई घर में इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आप काम करते करते वो छोड़ के उसको हफ्ता देना पड़ता है, उसको बुलाया बोले इतना बेटा इतना एक काम करिए मंथली कितना हफ्ता, बोले 5000, बोले ये ले ये 60,000 रुपये रखते रहे पास, कितने 12 महीने तक अपनी शक्ल मत दिखाना, मनुष्य की शक्ल है तेरी मुझे पसंद नहीं आया तू, मुझे बताओ क्या मैंने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया, अब मुझे आगे इंश्योरेंस पे करना है क्या, तो आज यहाँ पे देखना ध्यान से सुनना, क्या मैंने एडवांस में पे कर दिया है, क्या अब मुझे आने वाले मंथ्स में या आने वाले ईयर में मुझे बेनिफिट होगा, हाँ या ना, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस ये एसेट होती है, क्या होती दोस्त, लॉजिक समझो अच्छे से, अपने यहाँ पे अक्षय काम कर रहा है, हाँ या ना, उसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं 15,000 रुपीज पर मंथ से, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा है लेकिन बताता हूँ, 15,000 रुपये पर महीने अपन उसको दे रहे हैं अक्षय को, एक दिन अक्षय को मैंने क्या बोला, भाई ये ले 45,000 रुपये, अब 2 महीने तक क्या मुझे उसको सैलरी देने की जरूरत है क्या, क्या प्रीपेड सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी क्या दोस्त, लेकिन प्रीपेड सैलरी क्या है, एसेट, क्योंकि अब मुझे 2 महीने सैलरी देने की जरूरत है, अब मुझे खुशी होगी कि मैं अभी 2 महीने सैलरी नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एडवांस में दे चुका हूं। तो प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, एसेट, प्रीपेड का अपोजिट है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड का अपोजिट क्या है, अब अक्षय इस बार मेरे पास एडमिशन ही नहीं हुआ है तो पैसे नहीं आए मेरे पास, अक्षय आया सर मेरे को सैलरी दो, बोला भाई यार इस महीने ना पैसे ही नहीं है यार कैसे सैलरी दूं, पैसे ही नहीं, बोले सर दो ना यार सर पैसे की बहुत जरूरत है, उसका सैलरी था 15,000, मैंने देखा बोला यार चल देख ये ले 5,000 रुपीज, अभी मैं तेरे को 5,000 ही दे सकता हूँ, अभी 10,000 रुपये तेरे को मैं अगले महीने दूंगा, क्या ये 10,000 आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग क्या है, देना है लाइबिलिटी, एडवांस में दे दिया एसेट, बोलो देना है एडवांस में दे दिया, एक बार फिर देना है एडवांस में दे दिया, देना है एडवांस में दे दिया, सर चलो डेटर्स, डेटर मतलब जिनसे लेना है, क्रेडिटर मतलब जिनको, क्रेडिटर्स, परचेस एक्सपेंसेस है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस, स्टोरी याद आ रही ना, मैं माल लेने गया था, माल मतलब आइटम, आइटम मतलब गुड्स, हाँ है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्त, परचेस, फिर क्या लगेगा, कैरेज इनवर्ट, फिर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, फिर फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का वेजेस और फैक्ट्री का पावर एंड, फिर नाम यूज करने के लिए रॉयल्टी, ये सब कौन सा एक्सपेंस है, तो परचेस कौन सा है, अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ऊपर या नीचे, ये बात, सेल्स लेकिन डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट क्योंकि ये आपकी इनकम है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट भी कहां का है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है एक्सपेंस है लेकिन इंश्योरेंस किसका लिया है, फैक्ट्री का, क्या ये फैक्ट्री के गेट का है क्या, तो ये भी क्या हो गया डायरेक्ट, तो एक और ऐड कर दो फैक्ट्री का इंश्योरेंस, ऐसे नो हो गए, फैक्ट्री इंश्योरेंस भी कहां आएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट वन ऑडिट फीस, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कितने लोगों को गर्लफ्रेंड है, झूठ साले सबके सब झूठ, कितने लोगों को बॉयफ्रेंड है, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, मुझे पता है ना सबके सब झूठ बोलने वाले साले, ठीक है अब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट करना ध्यान से सुनना बेटा, बोला क्या हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड का रात को आपको मैसेज आया, जनरली रोज ही आता होगा, ठीक है, तो वैसे एज यूजुअल मैसेज आया, हाई बेबी सोना जानू बाबू जो भी रहेगा आपका, करेक्ट है, जो भी आप बोलते रहोगे स्वीटी बेबी जो भी है, आपने बोला हाई, अब उसी टाइम पे ले सुनो, आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे, कहाँ पे बेटा, व्हाट्सएप पे, उसी टाइम पे आपके क्रश का भी मैसेज आया, जो आपको बहुत पसंद है उसका भी मैसेज आया, वैसे गर्लफ्रेंड भी पसंद है थोड़ी,
थोड़ी, लेकिन क्रश उसका भी मैसेज आया। अभी आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, यहां पे ध्यान देना। अब आप उसको भी रिप्लाई कर रहे हो, इसको भी रिप्लाई कर रहे हो, तो क्रश ने पूछ दिया आर यू बिजी, अब उसको यस कैसे बोले। गर्लफ्रेंड को बोल सकते हैं लेकिन क्रश को नहीं बोल सकते, हाँ या ना, रूल बना लो बेटा, अगर नहीं भी है तो ध्यान रखना उसको कभी मत बोलना, नहीं तो आगे भाव नहीं देगी आपको, करेक्ट है। तो आपने गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, यार मैं बस सो रहा हूँ, मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तेरे से कल बात करता हूँ, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जो भी आगे रहेगा, हाँ है ना, करेक्ट है, एल यू एम यू जो भी तुम बोलते हो, ठीक है, बोल दिया आपने। 12:10 में आपने आपकी गर्लफ्रेंड को गुड नाइट बोल दिया, लेकिन अभी भी लगे हो किसके साथ? ओ, वैसे तो गर्लफ्रेंड आपकी बहुत शातिर निकली, उसने भी देखा आपका लास्ट सीन, आपने बाय कब बोला, 12:10 को, और आपका लास्ट सीन दिख रहा था 1:30 का। गर्लफ्रेंड बोलती कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे दिन वो आपसे मिलना ही, बहुत प्यार से आपसे बात किया, मेरा बाबू कैसा है, मेरे बेबी कैसी है, ये वो, बहुत प्यार से बात किया आपके साथ। फिर अचानक से उसने बोला कि आपका देना ना फोन है ना अरे गंदे लोग, सुनो। तो दोस्त यार यह हुआ यूं, आगे बात समझना, गर्लफ्रेंड का मैसेज लास्ट कब था, 12:10, और आप 1:30 तक ऑनलाइन थे, गर्लफ्रेंड ने आपको, अभी गर्लफ्रेंड मिलने आई, एकदम प्यार से आपसे बात कर रही है, और उसने आपसे मांग लिया कि आपका फोन दो, और अभी फोन आपका फिंगरप्रिंट वाला था, आपने फिंगर लगा के दे दिया फोन, और व्हाट्सएप पे भी गलती से आपने क्या किया, अनलॉक नहीं किया था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज था, तो व्हाट्सएप ओपन किया और उसने देखा, क्या वो आपका फोन चेक कर रही है, हाँ या ना। उस चेकिंग को हम बोलते हैं ऑडिटिंग, क्या बोलते हैं दोस्त, वैसे ही क्या अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, अब उसने सही बनाई है या नहीं बनाई है ये चेक करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, सीए आता है, और जो सीए जो परफॉर्म करता है वर्क, उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग, क्या बोलते हैं, वो अकाउंट्स चेक करता है, क्या चेक करता है दोस्त, अकाउंट चेक करता है, उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग, और इस चीज के वो पैसे लेगा, इसको हम बोलते हैं ऑडिट फीस, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, नीचे, कैरेज इनवर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट, सिर्फ रेंट है, सिर्फ रेंट है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, एक में सुनना सुनना सुनना, बैड डेट्स, अच्छा एक चीज बहुत क्लियर कर लो अभी के लिए, एक चीज बहुत क्लियर, कान आंख नाक खुले होने चाहिए, मुंह एकदम बंद, बैड डेट्स का मतलब होता है लॉस, बैड डेट्स का मतलब होता है, लेकिन रिजर्व फॉर बैड डेट्स इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है, सुन अभी के लिए सुनना, इसका लॉजिक नहीं बता रहा हूं मैं अभी, लॉजिक टाइम के साथ बताऊंगा, अभी इतना सुनना, रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्या बेटा, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस, तो वो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में आएगा, रिजर्व कहां पे आएगा, क्रेडिट में, नॉर्मल बैड डेट्स हुआ तो डेबिट, बैड डेट्स मतलब नुकसान, बैड डेट्स बताया था मैंने कल कि कल नरेंद्र ने 2000 रुपये लिए थे मुझसे, बाद में 9000 नहीं देता, चाहे कुछ भी कर लो, क्या मेरा लॉस हो गया, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, बैड डेट्स आपका कहां पे आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन रिजर्व कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न्स, परचेस रिटर्न है तो, परचेस रिटर्न है तो, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, क्या नाम है, सेल्स रिटर्न है तो, सेल्स में से माइनस, परचेस रिटर्न है तो, परचेस में से माइनस, सेल्स रिटर्न है तो, सेल्स में से, डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, अगर डेबिट है तो एक्सपेंसेस, क्रेडिट है तो इनकम, करेक्ट है, अलाउड है तो डेबिट में लिख दो, रिसीव्ड है तो कमीशन रिसीव्ड, तो कहां आएगा, क्रेडिट में आएगा क्या, लेकिन चलो गुड बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैपिटल, कैपिटल कहां आता बेटा, ड्रॉइंग्स, नेवर से लाइबिलिटी, हाँ इट्स टेक्निकली रॉन्ग, हम लाइबिलिटी नहीं है वो, ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी नहीं है हमारी, हम उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, कैपिटल में से क्या करेंगे,
चलो ओपनिंग स्टॉक आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, बोला ही है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में आएगा, कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में, रिटर्न्स, परचेस रिटर्न, रेंट एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट, बैड डेट्स, ऊपर या नीचे, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, नीचे लेकिन कहाँ पे, नीचे लेकिन कहाँ पे, पक्का, चलो, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड दिया है, डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड, ऊपर या नीचे, कमीशन रिसीव्ड, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, गुडविल भी एसेट है, लेकिन टेंजिबल या इनटेंजिबल, जो दिखती फिर भी बिकती है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी ऊपर, अगर सैलरी एंड वेजेस होते तो नीचे, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, एसेट, लोन एंड एडवांसेस, लोन्स कहाँ आएगा, लाइफ, लोन कहाँ पे आएगा, लाइफ, पक्का, डन क्या, चलो अब आ सुनना, अब हमें आगे मूव करना है एडजस्टमेंट पे, किस पे बेटा, पहली चीज तो समझो एडजस्टमेंट होता क्या है, क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देते हैं, क्या क्लोज करते हैं, उसके बाद के जो एंट्री होती है ना, अब वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्लोज हो गया ना, तो वो आती है आपके एडजस्टमेंट में, कहाँ आती है, और इसीलिए एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, कितने इफेक्ट होंगे, दो, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट और दूसरा दोस्त कौन सा, क्रेडिट, अभी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, अभी मस्ती मत करना, आपस में बातें मत करना, सूरज यहाँ ध्यान दे, ग्रहण लगा दूंगा नहीं तो तेरे को, यहाँ ध्यान दे, ये भी कॉमेडी आदमी है सूरज भी, एकदम बहुत जोरदार, ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट है, यहाँ पे आपका कौन सा साइड है और ये कौन सा है, एकदम कंफर्टेबल होके सुनना किस तरीके से फॉर्मेटिंग हम बनाएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, इसी को हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट दी फाइनल अकाउंट, कितने कॉलम बनेंगे, दो, हाँ मतलब वैसे तीन हो गए, एक होगा पर्टिकुलर्स का, एक कौन सा होगा दोस्त, एक होगा अमाउंट और एक होगा अमाउंट, करेक्ट है, चलो सेम चीज यहां पे करेंगे, एक कौन सा होगा बेटे पे, पर्टिकुलर्स, एक कौन सा होगा अमाउंट और एक कौन सा होगा अमाउंट, सर दो अमाउंट के कॉलम क्यों, तो बात सुनना, अंदर के कपड़े फटे हुए चल जाएंगे, हाँ है ना, बाहर के फटे हुए कपड़े आजकल तो फैशन है, वो बात अलग है, जितना फटा हुआ उतना महंगा, लेकिन जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो अंदर के कॉलम में करनी है, जो भी आपको ऐड करना है, लेस करना है, वो कहाँ पे करना है दोस्त मेरे, अंदर के कॉलम में, करेक्ट है, और बाहर जब जाऊँ ना तो फाइनल अमाउंट कहाँ लिखनी है, बाहर, जैसे आप जब भी है ना कोई शॉपिंग वगैरह करने जाते हो ना दोस्त, तो क्या नेट अमाउंट देते हो, हाँ है ना, तो वो एडजस्टमेंट जो भी होगा वो बिल के ऊपर हो जाएगा, नीचे जो लिखा होगा वो कौन सा होगा, नेट अमाउंट, सेम थिंग, जो भी हम बाहर लिखेंगे वो कौन सा अमाउंट होगा, नेट अमाउंट, जो भी एडजस्टमेंट करनी है कहाँ कर लेंगे मेरे भाई, अंडर, अभी फॉर्मेट जब बनाओ ना उसी टाइम पे ड्रॉ कर देना है, दो पेजेस यूज करने हैं, एक पेजेस पे आधा आधा कभी नहीं करना है, दो पेजेस पूरे यूज करने हैं, आपका ये बुक है सपोज नोटबुक है, इधर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इधर यहाँ पे बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको आगे के ऊपर के 10 लाइन ब्लैंक रखनी है, कितनी लाइन, 10, और बाकी का मेच्योरिटी पोर्शन 70% पोर्शन किसका होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, करेक्ट है, 10 लाइन किसके लिए रखोगे और बाकी के लाइन किसके लिए होगा, जब भी स्टार्ट करो, जब फॉर्मेट ड्रॉ करो ना, फाइनल अकाउंट तो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है, सबको आना ही है, तुरंत क्या ड्रॉ कर लेना, फॉर्मेट ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000, जो भी रहेगा आपका, जो भी डेट रहेगी, क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड
करेक्ट है, क्या लिखोगे? फॉर दी, इसका मतलब इस अकाउंट में इस साल भर के पूरे खर्चे हैं, इस साल भर के पूरे खर्चे। जब भी फॉर्मेट बनाओगे ऊपर स्टार्टिंग में एक लिख देना टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिख दोगे दोस्तों? पक्का? फिर सेकंड कॉलम में लिख देना टू परचेसेस, लिख ही देना ये विदाउट फेल लिख देना परचेसेस, यहां पे माइनस करके लिख देना कौन सा परचेस रिटर्न्स, क्रेडिट साइड में यहां पे लिख देना बाय सेल्स, माइनस करके लिख देना क्या सेल्स रिटर्न, और यहां पे लिख देना बाय क्लोजिंग, दो तीन लाइन छोड़ गया, दो तीन लाइन छोड़ के बेटा, है ना, क्या लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मेट का पार्ट है, ये फॉर्मेट का ही पार्ट है, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे ये लिखोगे, क्या लिखोगे सबसे पहला, उसके बाद में टू माइनस क्रेडिट में बाय माइनस, फिर दो तीन लाइन छोड़ना है, फिर क्या लिखोगे बाय, पक्का डन, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा क्या बनाओगे दोस्त? तो यहां लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च जो भी रहेगा, यहां क्या वर्ड था फॉर द ईयर एंडेड, इसका भी बहुत इंटरप्रिटेशन है, थोड़ा सा लॉजिक में बाद में आता हूं अभी समझो, लेकिन इसका अच्छा इंटरप्रिटेशन है। यहां क्या है एज ऑन, इसका भी मीनिंग है, वहां फॉर द ईयर एंडेड है, यहां पे एज ऑन है बेटा। अच्छा उसके बाद हम लोग यहां पे क्या कर देंगे बेटा, ये साइड में क्या लिखेंगे लाइबिलिटी, और ये साइड में क्या लिखेंगे अगेन, यहां पे भी दो कॉलम अमाउंट अमाउंट अमाउंट, आपको पूरा लिखना है अमाउंट अमाउंट, और सुनना जब ये बनाओ यहां पे लिख देना क्या लिखोगे, यहीं पे लिख देना माइनस ड्रॉइंग्स, सिर्फ ड्रॉइंग्स नहीं माइनस ड्रॉइंग, और यहां लिख देना आई एम सॉरी बाय नहीं आएगा, डन, क्या ये आपका किसका पार्ट बना दिया मैंने, किसका पार्ट बन गया है ये आपका फॉर्मेट का ही पार्ट बन गया है। क्या लिखोगे ऊपर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे टू माइनस क्रेडिट में बाय माइनस, पक्का, उसके नीचे बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर बैलेंस शीट में पहले लाइबिलिटी में क्या लिखोगे कैपिटल, उसमें से माइनस एसेट साइड में क्या लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय नहीं आई एम सॉरी बाय नहीं आएगा क्योंकि वो अकाउंट नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग एंड में, कहाँ लिखोगे एंड में, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे दोस्त एंड में, करेक्ट है। ऐसे 10 फॉर्मेट बनाने, कितने 10 नहीं 5 बना लो, चलो 10 नहीं, कितने क्वेश्चन करूँगा मैं 5, तो ऐसे कितने फॉर्मेट बनाने हैं आपको 5, कल बना के आओगे 5 फॉर्मेट बना के आना, 5 फॉर्मेट चाहिए मतलब चाहिए मेरे को, कल मैं एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा सर नहीं बनाया अभी बना लेता हूँ, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात चलना है, समझ लगा, क्लास से बाहर काटना तीर, सख्त कार्रवाई हो का नहीं, है ना, गुस्सा आता ना मेरे को, अत्ता माजी सटकली है ना, सो एकदम अच्छे से। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा आप लोगों को कोई फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, मैं आके चेक कर सकता हूँ, अरे हाँ अपना सिस्टम है, मैं जा सकता हूँ बेटा, जहाँ पे भी आप रहते हो एड्रेस भेज देना, मैं आके चेक करूँगा आपका, ठीक है, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजना। अच्छा इसके अपार्ट फ्रॉम दिस यार, दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर, ये नंबर इसके लिए दिया, आपके कोई अगर डाउट है तो ही कॉल करना, अच्छा कॉल नहीं करना मुझे, कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है ना, और मैसेज कॉल अगर करना ही है बहुत इमरजेंसी है तो कॉल करोगे आफ्टर 9 से 11 के बीच में, चलो 9 से 12 कर देता हूँ रात में बेटा, 9 के पहले कॉल आप करोगे तो, बट मैं उठा नहीं पाऊँगा, लेक्चर में रहूँगा तो लेक्चर में कॉल पिक नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ आफ्टर लेक्चर 9 to 12 आप कॉल कर सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली बेटा कॉल करना अवॉइड ही करना, मैसेज ही करना, करेक्ट है क्या, बीवी बच्चे हैं मेरे भी, हुए नहीं है उसकी तैयारी करनी है, हाँ है ना, करेक्ट है, तो थोड़ा बिजी रहेंगे, लेकिन आप मैसेज कर देना, रिप्लाई मिलेगा, हो सकता है लेट मिले लेकिन मिलेगा, करेक्ट है, हिम्मत रखना बेटा, करेक्ट है ना, हाँ लास्ट मेरा 7 दिसंबर को बर्थडे था, मैं अभी तक बर्थडे की रिप्लाई कर रहा हूँ, अभी तक मतलब कुछ मैसेजेस कम से कम 700-800 मैसेज आए होंगे, अब वो सबको थैंक यू करते करते, जब मैं बीच में फ्री था तो 300-400 लोगों के कर दिया, लेकिन अभी तक वो नीचे जाता हूँ ना तो कुछ मैसेज दिखते हैं सर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, तो उसका रिप्लाई नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, जिसने मुझे इंस्टा पे विश किया था उनको कर दिया, क्योंकि क्या है ना आजकल इंस्टा बहुत ज़्यादा चलता है, कहीं भी गए तो इंस्टा देखते रहते हैं, तो मैसेज आ गई तुरंत रिप्लाई हो जाता है, हाँ तो इंस्टा पे करोगे तो भी चलेगा, इंस्टा पे फॉलो कर सकते, मेरा अकाउंट ओपन ही है बेटा, ठीक है ना, चलो ये डन, क्या ये फॉर्मेट समझ में आ गया आपको, हाँ लेकिन डाउट के लिए मैसेज करना बेटा,
उसके अलावा मत करना. थैंक यू सो मच. ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए जोश और नए जुनून के साथ.